फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, यहाँ पर वर्कशॉप की हमारी जो ट्रेनिंग चालू हुई है, ये कोरोना में लॉकडाउन ऑन ऑफ के बाद, उसके बाद हमारे दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। मैं पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके बाद जो फॉल्ट है उस पर हम आएंगे। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम। आप पहले लैपटॉप रिपेयरिंग कर, कितने टाइम से आप लैपटॉप रिपेयरिंग कर? मैं 14 साल से रिपेयरिंग, 14 इयर्स हो गए आपको हार्डवेयर का, मतलब काम करते हुए लैपटॉप में 14-15 साल एप्रोक्स। ओके, तो आपके लिए इजी रहेगा ये, क्योंकि लैपटॉप में जो सिस्टम है वही सिस्टम LCD LED TV में, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है, वो आपको यहाँ समझ आ जाएगा। जी, मेरा नाम है सुशीम वल्वी, मैं व्यारा सोनगढ़ से हूँ। सोनगढ़ मीन्स ये कहाँ पर है? ये दुलिया रोड पे, महाराष्ट्र बॉर्डर। ये आया गुजरात के अंदर या महाराष्ट्र में? गुजरात में आया। गुजरात में आया। और आप कितने टाइम से हैं? मैं कम से कम 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, CRT काम और लैपटॉप मदरबोर्ड का काम कर रहा हूँ, और LED LCD TV का सीखने के लिए नया शुरू किया आपने LCD LED TV। ठीक है, आपको जरूर अच्छी यहाँ पर नॉलेज मिलेगी और पहले दिन से आपका अच्छा काम होगा। सो आज जो ये वीडियो बनाने का सही मकसद जो है, ये सैमसंग का 32 इंच का LCD TV है। LCD मीन्स CFLs, इन्वर्टर बोर्ड और CFLs यूज हुई है, ठीक है, इसलिए हम इसको LCD TV बोलेंगे, पुराना TV है। इसमें फॉल्ट है नो पिक्चर का, दैट मीन्स आवाज़ आती है, ठीक है, बैकलाइट चलती है, लेकिन पिक्चर नहीं है। सो हम पहले चालू करते हैं, आप पहले टीवी का फॉल्ट बताइए क्या है। तो लाइट, बैकलाइट आने में कुछ समय लगता है, बिकॉज लास्ट प्रोसेस बैकलाइट का होता है, पैनल बनने के बाद बैकलाइट ऑन होती है। तो ये स्क्रीन पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे फॉल्ट है, नो पिक्चर। इसका मतलब ये है कि आवाज़ आ रही है, बैकलाइट चल रही है, लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से जो सेक्शन में चेक करना होगा, वो कौन सा सेक्शन है, अभी आपको पता चलेगा। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी, जैसे आवाज़ आ रही है कि नहीं और बैकलाइट चल रही है। यहाँ कंडीशन है आवाज़ और बैकलाइट ओके है, पिक्चर नहीं है। तो सबसे पहले हम DC to DC वोल्टेजेस चेक करेंगे और पैनल पे आने वाले 12 वोल्ट इनपुट चेक करेंगे और DC to DC। अगर जो वो वोल्टेज भी सही है, तो फिर बाद में पैनल का या सॉफ्टवेयर का हो सकता है। तो सबसे पहले बोर्ड रिप्लेस करके भी हम देख सकते हैं, दूसरा यूनिवर्सल बोर्ड अभी हैंडी आता है, विथ सम कोड्स आप सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं, रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। तो आप तुरंत ही चेक कर सकते हैं कि क्या ये बोर्ड का फॉल्ट है नो पिक्चर में या पैनल का है। फिर बाद में आपको ये DC to DC वोल्टेज चेक करने के बाद, अगर जो पिक्चर आ जाती है, अगर जो आप दूसरा बोर्ड लगाते हैं पिक्चर आ जाती है, तो आपको पैनल चेक करना है। पिक्चर नहीं आती है तो सॉफ्टवेयर चेक करना है बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर बोर्ड में टिकॉन बोर्ड के अंदर फॉल्ट हो सकता है या पैनल के अंदर। तो सबसे पहले हमको कुछ वोल्टेजेस चेक करने हैं। 12 वोल्ट आ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट मीटर पे है। हम फ्यूज़ के दोनों एंड पे देखेंगे, ये आउटपुट एंड है फ्यूज़ का, 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम सबसे पहली जो सप्लाई है वो आउट होगी DC to DC IC से, वो है 3.3 वोल्ट। सो यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है। सेकेंड सप्लाई जो बनेगी वो DC to DC IC से ही बनेगी। ये 12 वोल्ट जो है वो इस कॉइल के थ्रू IC में स्विच पिन पे जाएंगे, बूस्ट पिन पे, बूस्ट स्विच, और इस कॉइल के थ्रू ही डायोड के थ्रू आउटपुट आएगा। यहाँ पर ये जो कॉइल है और ये डायोड है, यहाँ पर पास से दिखा दो आप, ये कॉइल जो इनपुट कॉइल है बूस्ट के लिए, और ये डायोड है जो बूस्ट वोल्टेज को आउटपुट करेगा। 16 वोल्ट यहाँ आने चाहिए, सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 15.6 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें VGH वोल्टेज चेक करना है और VGL वोल्टेज। सो VGL -5 वोल्ट, यहाँ पर -6 वोल्ट आ रहा है, ओके। और VGH C मतलब VGH कॉफ, ठीक है, यहाँ कॉफ है 27 वोल्ट, सो गेट कॉफ यहाँ पर है, तो 27 वोल्ट।
अब मैंने जैसे कि पहले वीडियो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें गेट कॉफ होती है उसमें सीकेवी सिग्नल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से सिग्नल्स होंगे यहाँ पर गेट कॉफ में जाने वाले, VGL, VGH, C, और ये सारे सिग्नल्स YOE, Y क्लॉक, YDIO, ये तीन सिग्नल जो है ये गेट कॉफ में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम सभी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो 27 वोल्ट हमने चेक कर लिया, -5 और 16 वोल्ट और 3.3, तो नो पिक्चर में वोल्टेज से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है। अभी हमें सिग्नल चेक करने हैं, कौन से तीन सिग्नल चेक करेंगे आप, YOE, Y क्लॉक और YDIOU, ठीक है। हम अब सिग्नल चेक करेंगे, क्योंकि आप सिग्नल चेक करना है तो DSO मैं पहले समझा देता हूँ, DSO कैसे यूज़ होगा और ये सिग्नल के लिए हम किस तरह से काम करेंगे। यहाँ पर हमने चैनल वन को ऑन रखा है और चैनल वन पे यहाँ प्रोब रखा हुआ है, और ये प्रोब में मल्टीप्लाई बाय 10 की रेंज पे आपने इसे रखना है स्विच को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। और यहाँ जो चैनल वन का जो ये है, चैनल वन जब दबाएंगे 10 मल्टीप्लाई का ही प्रोब रेट होना चाहिए, ठीक है। सो ये चेंज हो सकता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये 10, 100, 1000, डिपेंड्स ऑन किस टाइप के वोल्टेज आप चेक कर रहे हैं, आपको ये मल्टीप्लाई वैल्यू चेंज करनी है। और ये कोर्स रखेंगे, फाइन नहीं रखेंगे, कोर्स मतलब फास्ट होगा, फाइन मीन्स पॉइंट के वोल्टेज सेट करना है तो पॉइंट में फाइन के लिए, तो यहाँ कोर्स रखेंगे, बैंडविड्थ ऑफ रखेंगे, एसी कपलिंग रखेंगे, ठीक है। इस मोड में हमें सिग्नल चेक करने हैं, YOE सिग्नल है, देखो यहाँ पर 100 नैनो सेकेंड है, हमें इसे माइक्रो सेकेंड में करना है, माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड के करीब, ठीक है, या ये, और मेजर बटन का यूज करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं ये सिग्नल 42 किलोहर्ट्ज का सिग्नल प्रेजेंट है YOE टेस्ट पॉइंट पे, दैट मींस टिकॉन प्रोसेसर जो है ये वोल्टेज बना रही है। यहां ये वोल्टेज कहां है, ये सिग्नल कहां से बन रहे हैं, टिकॉन प्रोसेसर से। और दूसरा सिग्नल है Y क्लॉक, ठीक है, Y क्लॉक हम चेक करेंगे, यहां ये 42 किलोहर्ट्ज का सिग्नल Y क्लॉक भी बन रहा है, ओके। अभी आप देखेंगे कि YDIOU जो है ये अलग टाइप का सिग्नल है, ठीक है, सो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये तीनों सिग्नल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ओके, लेकिन क्या ये कॉफ तक पहुँच रहे हैं वो देखना होगा। सो पैनल को हम पहले बैकलाइट से अलग कर रहे हैं, बैकलाइट यूनिट हटा दो आप, उल्टी साइड से रख रहे हैं, क्योंकि कॉफ में, गेट कॉफ में जाने वाले वोल्टेज जो है ना सिग्नल्स, वो आपको यहाँ मेजरमेंट का पॉइंट है, वरना आपको कॉफ फोल्ड करनी पड़ेगी, सीधा ही रखोगे तो, ठीक है, तो हमको फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड करने से भी कुछ फॉल्ट एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग से रिलेटेड हो जाते हैं, फिर कई कॉफ तो हाथ में आ जाएगी फोल्ड करते ही। तो आपको ये ऐसे ही उल्टा करके ही घिसना है टेस्ट पॉइंट को और सोल्डर कर लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी वोल्टेज जो है ना, जो VGSC, VGL और 3.3 वोल्ट, ये सब इस फाइनल कॉफ से होते हुए, इस पैनल के अंदर की ट्रैक से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, कॉफ तक। अब पैनल के अंदर अगर जो कहीं पे बर्न हो जाए, मतलब जल जाए, ट्रैक ओपन हो जाए, वो कॉन्टैक्ट जो कॉफ से यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं, तब हमें बाईपास करना होता है वोल्टेज। अब हम पहले चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सभी सिग्नल्स चेक करने हैं पहले, जो टिकॉन पे किए थे, जिसमें से देखो यहाँ पर YOE है, Y क्लॉक है और YDIO है, ठीक है, ये तीनों टेस्ट पॉइंट पे यहाँ हम पहले चेक करेंगे। अगर जो यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, तो या तो FFC जो केबल है वो खराब हो सकती है, ठीक है, तो पहले हम यहाँ सिग्नल चेक करेंगे, और सिग्नल यहाँ आ रहे हैं तो ये ट्रैक से यहाँ नहीं पहुँच रहे, तो यहाँ चेक करेंगे उसके बाद। तो फर्स्ट क्या चेक करेंगे, यहाँ पर वो सिग्नल चेक करेंगे, हम मेज़र करेंगे कि ये जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये दिखा दो आप, कॉक्स की डेटा शीट मैंने बनाई हुई है, ये मैंने ड्रॉ करके सारे वोल्टेज चेक करके बनाया हुआ है,
और यहाँ पर कौन से सिग्नल कहाँ पर पहुँच रहे हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम VGH चेक कर रहे हैं जो कि 27 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। सो हम VGH यहाँ से टेस्ट पॉइंट से मेज़र करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 22 ओम्स की रीडिंग बता रहा है, ओके। और फिर बाद में आपको VGL चेक करना है, VGL का टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है। ये हम कंटिन्यूटी कोल्ड टेस्ट में देख रहे हैं, तो ये VGL है। सो ये भी पहुँच रहा है, मतलब ट्रैक की कंटिन्यूटी यहाँ तक की, ओके, VGH VGL की। अब 3.3 वोल्ट आपको चेक करना है, ठीक है। 3.3 वोल्ट भी पहुँच रहा है 52 ओम्स की लाइन से, ठीक है। सो अभी तीन हमारे क्लॉक सिग्नल, वाई क्लॉक, ये वाई ओ ई वाई क्लॉक और वाई डी आई ओ, ये तीन टेस्ट पॉइंट हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट में वाई क्लॉक जो है ये लास्ट वाला है, ये वाला। सो हम यहाँ वाई क्लॉक चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाई क्लॉक है। सो आप देख सकते हैं वाई क्लॉक 89 ओम्स बता रहा है, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब वाई ओ ई जो है वो फर्स्ट टेस्ट पॉइंट है, यहाँ से ये ओपन बता रहा है, ओके, वाई ओ ई। और वाई डी आई ओ, वाई डी आई ओ जो है वो बीच वाला टेस्ट पॉइंट है ऊपर में, तो ये भी ओपन बता रहा है, ठीक है। तो हमारे तीन टेस्ट पॉइंट ये जो है, तीन सिग्नल्स यहाँ पर, वाई ओ ई, वाई क्लॉक एंड वाई डी आई ओ। पहले हम वाई ओ ई टेस्ट पॉइंट पे सोल्डर कर रहे हैं यहाँ पर, और हम वायर भी उतना ही रखेंगे जितना ज़रूरत है, लंबा वायर नहीं रखना है आपको। यहाँ पर सोल्डर हो गया, ठीक है, okay. एक ब्रश ले लो, हटा दो वहाँ से, ओके। देखो देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन काम करते करते आसान हो जाएगा। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपकी प्रैक्टिस आपको बाद में परफेक्ट बनाएगी। अब देखो ये है वाई डी आई ओ, बीच वाला ऊपर से, जो तीन टेस्ट पॉइंट है उसमें सेंटर वाला, ओके। सो ये सभी टेस्ट पॉइंट्स हमने अपनी अपनी जगह पे जोड़ दिए हैं। ये बैक लाइट चालू करके अच्छा क्लियर दिखेगा, थोड़ा जूम कर लो और कहाँ जोड़े हैं वो दिखा दो, यहाँ पर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पैनल हमने रिपेयर कर दिए, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो नो पिक्चर की थी, और वजह थी वाई ओ ई, वाई डी आई ओ और वाई क्लॉक। ये तीनों जो सिग्नल्स हैं टिकॉन बोर्ड से होते हुए, एफएफसी केबल से होते हुए, सोर्स पीसीबी से होते हुए कॉफ के थ्रू गेट कॉफ तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि पैनल के अंदर ब्रेकेज होने की वजह से ये सिग्नल सोर्स कॉफ से होते हुए पैनल तक नहीं पहुंच रहे थे। हमने जंप किया इन तीनों सिग्नल्स को सोर्स पीसीबी के टेस्ट पॉइंट से गेट कॉफ के ऊपर, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो दोस्तों अगर जो मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप मुझे फ़ोन करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनिंग बिल्कुल खुल चुकी है अहमदाबाद की, हर महीने हो रही है ट्रेनिंग। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी 12 जुलाई को, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो मुझे फ़ोन करना होगा। और दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।